अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। मैं हूं शबनम इस्लाम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गर्मियों का तोहफा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ग्वार की फलियां। ये गर्मियों में ही मिलती हैं और ये इस तरीके की होती हैं। देखिए इस तरीके की लंबी लंबी ये ग्वार की फलियाँ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं उन लोगों के लिए जिन्हें शुगर वगैरह होता है और खाने में बहुत ही चटपटी और जायकेदार होती हैं। और इनके दोनों तरफ बाल पाए जाते हैं, दोनों ही तरफ इसके रेशे होते हैं जो मुंह में चुभते हैं, जिन्हें हटाना ज़रूरी होता है और इन्हें हटाना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इसे कट कीजिए और इस तरीके से इसे खींच लीजिए, फिर ऐसे ही आप इसे छोटा सा कट कीजिए, इस तरीके से तोड़ लीजिए हाथों से और ऐसे इसके रेशे हटा लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से बड़ी आसानी से खींच जाते हैं। ये देखिए ये रेशे बड़ी आसानी से आप खींच सकते हैं इन्हें। देखिए इनके दोनों ही तरफ होते हैं तो दोनों ही तरफ के रेशे हटाने ज़रूरी होते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से आप इसे खींच सकते हैं। ये मुंह में आते हुए बहुत ही बुरे लगते हैं, चुभते हैं बल्कि एक तरीके से, तो ये हटाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आप इन्हें बनाएं तो इन रेशों को ज़रूर हटाएं। तो मैंने हाफ़ के जी यहाँ पर ली थी, इनके मैंने रेशे हटा दिए हैं और आप देख सकते हैं इतनी क्वान्टिटी में इसके रेशे निकल कर बाहर निकले हैं। इतनी क्वान्टिटी में हमने इन्हें हटाया है, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रेशे थे इसके अंदर, और ये हमने हटा कर इन्हें साफ़ कर लिया है। अगर आप हाथ से ना तोड़ पाएँ तो आप एक नाइफ़ ले सकते हैं और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसे इनकी साइडें कट कर दीजिए बारीक बारीक बारीक, जिससे इसके रेशे हट जाएं दोनों साइड से। ये हल्का हल्का सा कट कर दीजिए नाइफ़ से तो इनके रेशे ये देखिए हट जाएंगे। फिर आप इसे नाइफ़ से ही छोटा छोटा कट कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे हाथ से आसानी से टूट जाए तो आप इन्हें हाथों से हटा लीजिए, ये देखिए बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। और नाइफ़ से अगर आप हटाना चाहें तो नाइफ़ से भी इन्हें हटा सकते हैं, ये देखिए बहुत आसानी से ही हट जाएंगे। ये देखिए दोनों तरह के बाल दोनों तरफ से ही बड़ी आसानी से हट जाते हैं। तो मैंने इन्हें साफ़ करके रख लिया है, इनके रेशे वगैरह हटा लिए हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो फलियाँ ली थी, इनके रेशे वगैरह बाल वगैरह सब साफ़ करके इन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये अब उबालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इन्हें बनाने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये फलियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने बघाड़ने के लिए लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 हमने लहसुन की जवे लिए थे जिन्हें हमने फाइनली तरीके से चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून ली है हमने चिली फ्लेक्स, 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसे हमने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर लिया है नमक, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर ली है हींग। बाकी हम कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी फलियों को बॉयल करने के लिए यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, इसके अंदर हम अपनी फलियों को शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर के करीब पानी, इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 विसिल लगा लेंगे। हमारी फलियां 90% तक कुक हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है वरना ये बनाते वक्त काफ़ी मैश हो जाएंगी, घुट सी जाएंगी। तो इन्हें खिली खिली रखने के लिए हमें इन्हें सिर्फ 90% तक ही कुक करना होगा। 2 प्रेशर आ चुके हैं हमारे कुकर में, इसे हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक कुक किया है। इसका प्रेशर हमने रिलीज़ नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फलियां हमारी 90% तक कुक हो चुकी हैं, अच्छे से टेंडर हो गई हैं। तो अब हम इसे एक छन्ने में निकाल लेंगे, उसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। फलियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने 50 ml के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को तड़कने देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन के जबे, तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे हींग। इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने अपने लहसुन के जवे को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी ग्वार की फलियां। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम ही रखना है।
अपनी फलियों को मिक्स करके हमने 2 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है ऑयल के अंदर और अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स और नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारी फलियों में से सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें भूनना है। फलियों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से खुश्क हो जानी चाहिए ये। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी तो ये चटकना स्टार्ट हो जाएंगी और मसाला इसके अंदर तक बहुत अच्छे से अब्जर्व भी हो जाएगा और ये काफ़ी जायके की बनेंगी। अपनी फलियों को हाई फ्लेम पे हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छे से चटक गए हैं ये। अब ये रेडी है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी फलियों को हम कर लेंगे डिश आउट। ये लीजिए दोस्तों, हमारी ग्वार की फलियां बनकर तैयार हैं, बहुत ही चटपटी और जायकेदार, टेस्ट से भरपूर, खाने में बहुत ही जायके की लगती हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और आपने देखा हमने इसे कितनी जल्दी फटाफट से बना लिया, 10 से 15 मिनट टोटल लगते हैं इसे बनाने में। एक बार आप इसे रेशे वगैरह हटाकर साफ़ कर लें तो 10 से 15 मिनट में ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, शुगर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाकी ये ग्रीन वेजिटेबल है तो फ़ायदा तो पहुँचाएगी ही, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं फिर हाज़िर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।